देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष पर चौरी चौरा शहीद स्थल पर 4 फरवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का मंगलवार को मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान DIG राजेश डी मोदक, जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन, विधायक संगीता यादव सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान मंडलायुक्त सहित संबंधित अधिकारियों ने समारोह की तैयारियों का जायजा लिया और शेष कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम के दौरान चौरी चौरा शताब्दी वर्ष पर डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चौरी चौरा शहीद स्थल पर मौजूद रहेंगे। चौरी चौरा शताब्दी समारोह की थीम स्वदेशी स्वावलंबन एवं स्वच्छता है। स्वावलंबन की भावना आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की मूल भावना है। आपको बता दें, आजादी की लड़ाई के समय की ऐतिहासिक घटना चौरी चौरा कांड को 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 वर्ष पूरा होने पर राज्य के सभी जिलों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने के निर्देश जारी किए हैं और ये कार्यक्रम 4 फरवरी 2021 से शुरू होकर पूरे साल यानी 4 फरवरी 2022 तक आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समारोह के नोडल अधिकारी ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, DIG राजेश डी मोदक और मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, कितने एलईडी है हमारी? 36 हाइट है ज़्यादा भी। अब लोग आप ले आइए ना मैडम। अरे हो जाएगा, भीड़ बहुत होगी सर। पहले वो जो हमारा वहाँ से स्टार्ट करा है वो उधर शुरू में उन्हीं का स्टार्ट करेंगे और यहाँ जहाँ तक भी आएगा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, ADM फाइनेंस गोरखपुर हूँ और चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव जो 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक मनाया जाएगा उसका नोडल अफसर हूँ। आगामी 4 फरवरी एवं 5 फरवरी को वहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें 4 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर पधारेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी वेब लिंक से जुड़ेंगे। एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम होगा जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करें। आज माननीय आयुक्त महोदय, माननीय DM साहब, माननीय IG साहब, माननीय SSP साहब मौके पर गए थे, सभी अधिकारी भी वहां उपस्थित थे। प्रोग्रेस देखी गई कि अब तक कार्यक्रम की क्या तैयारियां हैं और सभी अधिकारियों को यथा आवश्यक निर्देश दिए गए। कार्यक्रम की जो मुख्य झलकियां हैं वो सुबह 8:30 बजे से प्रभात फेरी होगी, 10 बजे वंदे मातरम गीत का समवेत गायन होगा, 3 बजे से एक बहुत ही अच्छा कवि सम्मेलन होगा जिसमें श्री हरिओम पंवार जी आ रहे हैं जो हिंदी के बहुत ही वरिष्ठ कवि हैं, और शाम तक हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहेंगे। शाम 6 बजे फिर विदेशिया नाटक का मंचन किया जा रहा है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि वहां पर आएं और महोत्सव में आप भी सम्मिलित हों। चौरी चौरा में भी निरीक्षण किया कि उस दिन जो प्रोग्राम होना है उसकी व्यवस्था क्या हुई है, उसके लिए हम देखने गए थे, मैं और कमिश्नर। सर, सुबह कार्यक्रम जो वंदे मातरम का, तो सामूहिक वंदे मातरम किन किन स्थानों पर गाया जाएगा?
जी, जितने भी हमारे शहर में, हमारे पूरे रेंज में, हर एक जनपद में जो भी शहीद स्मारक है वहाँ पर बैंड से धुन बजेगी, तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि हमारा ये चौरी चौरा की जो घटना हुई थी 5 फरवरी 4 फरवरी 1992 इसको मनाने का निर्णय लिया है, और उसी के क्रम में ये वर्ष भर के प्रोग्राम होने हैं जिसको प्रारंभ किया जाना है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गवर्नर महोदया और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 4 फरवरी को यहाँ पर किया जाएगा। उसी की तैयारियों का कार्यक्रम चल रहा है और हम आशा करते हैं कि हम एक अच्छा प्रोग्राम इस पूरे वर्ष भर प्रस्तुत कर पाएंगे और जिसमें सारे विभागों का सहयोग लिया जा रहा है।